अगर टाइगर लेपर्ड तो कॉलिंग जबरदस्त होनी शुरू हो जाएगी यहाँ इधर। टाइगर का यहाँ का मामला समझ जाएगी वाला पेड़ है ना। हाँ इस पे आने जाने रहता है। ठीक है। जो स्थिति है ना राजस्थान में बन रही है जो है वहाँ डॉग जो है हिरण का शिकार करते हैं दोस्तों। ये देखिए ये लोकल जो डॉग है ये हिरण का शिकार कर रहा है इधर। देखिए हम वो भी दिखा रहे हैं सब डियर भाग गए। देखिए सब पानी पीने आए थे दोस्तों। ऐसे जंगल आपने मेरे देखे होंगे शुक्ला पांठा के ब्लॉग में नेपाल के जंगलों में। भैया बता रहे हैं कि ये जो बल्लियाँ लगी हैं लकड़ी की जो है हाथी जितना आएगा तोड़ देगा। सबसे रिस्की पॉइंट है दोस्तों ये यहाँ का। पहाड़ी तो ऊपर भी नहीं चढ़ेगी यहाँ से दोस्तों। मैंने इतने जंगल घूमे हैं आप मानोगे इतने सौ सफारियाँ करी हैं मैंने ऐसा जंगल नहीं देखा इतना डेंस दोस्तों। ये दोस्तों एक सीन देख रहा है देखने को मिल रहा है। देखो ये बफेलो चली गई है जहाँ स्वैम डियर होते हैं। ये देखिए सारे स्वैम डियर उठ गए इस चक्कर में। तो पाइथन दिख गया। हाँ आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ आप भी। पाइथन दिख गया दोस्तों। दूर है पास में दिख रहा है। अरे वाह वाह वाह। पानी का इंतजाम पूरा करके रखे हैं तो भैया ने स्पेशल बोला है सामने जिप्सी खड़ी है कि पानी ले लो आगे पानी नहीं मिलेगा। 5 बोतल कैरी कर ली है। बहुत गर्मी है दोस्तों। झिलमिल में टाइगर भी दिखते हैं लक के ऊपर है दोस्तों। अपने तो देखो जंगल देखने जा रहे हैं झिलमिल देखा नहीं था अब क्या दिखता है वो अपने वहां चल के देखेंगे पूरी जानकारी देंगे आपको आपके फ्यूचर के ट्रिप के लिए। ये एक्सप्रेस वे बन रहे हैं अभी जो है ये एलिफेंट क्रॉसिंग है। आप ये मानो इस तरह राजा जी का जंगल है और यहाँ पे झिलमिल राइट हैंड पे इन्होंने बीच बीच में ब्रिज बनाए हैं उसके नीचे से क्रॉसिंग रखी है वाइल्ड एनिमल के लिए। पर अक्सर इस रोड पे एलिफेंट आ जाते हैं दोस्तों रात के टाइम और लेपर्ड क्रॉसिंग तो 100% होती है यहाँ से। जंगल सफारी प्रवेश मार्ग ये देखिए हम पहुँच गए हैं। ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दोस्तों मेरा एक बार बुक हो गया था नाइट स्टे मैंने नाइट स्टे छोड़ दी थी यहाँ पे। अभी मैंने पूछा बोले आजकल क्या है देखो टेंट हाउस बने हुए हैं बोले आजकल अगर वो आ जाए ना DFO वगैरह रात को रुकने के लिए तो आपको रूम छोड़ना पड़ेगा इसलिए मत ही जाओ। गाड़ी पार्क हो गई है ये जिप्सी खड़ी है और सामने गेट है झिलमिल का। यहाँ पहले परमिट निकालते हैं अपना फिर चलते हैं। दोस्तों दीपक जी ने मेरा यहाँ पे नाइट स्टे बुक कराया था एक दिन जो है यहीं FRH में जो है ओल्ड और मैं पछता रहा हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे उस दिन आना चाहिए था मेरे को तो मैं दूसरी सफारी करने चला गया इसलिए रह गया था वहाँ। बहुत ही बढ़िया दोस्तों यहाँ का वातावरण है देखिए कितने सुंदर पेड़ लगे हुए हैं एकदम शांति जंगल की रोड है ये देखिए। तो झिलमिल आज झिलमिल भी हो गया अब राजा जी के पूरे गेट कंप्लीट। अब कई सब्सक्राइबर बोलते हैं यार फिर बार बार जा रहे हो अरे भाई देखो ना यार यहाँ पे आते हैं तो क्या खाली जाने दें। आप ये देखो मैं अपनी बहन के घर में आता हूँ उनको यार बैठता भी नहीं हूँ मिलता भी नहीं हूँ वो कहते हैं तुम लोग अभी मैं लंच भी मिस करके आया हूँ उन्होंने फिर भी ज़बरदस्त राइस वगैरह कुछ डाल के दिए हैं बॉक्स में जो है कि आप खा लेना जो है। भाई भाग दौड़ है बहुत ज़्यादा देखो फैमिली में मिल नहीं पा रहा जो है कवर करने हैं दोस्तों आपको दिखाने हैं सब जो है जंगल। मेरे को यहाँ आके लगता है बस सफारी करो फटाफट सफारी करो जंगल में जाओ ऐसा रहता है। अब चलते हैं इसी पे चल जंगल के अंदर चलते हैं चलो। देखो दोस्तों हमारी झिलमिल की सफारी शुरू। बहुत ही प्यारा जंगल है स्टार्टिंग में जो है ये FRH और यहाँ से देखिए 2-3 रास्ते हैं लिखा हुआ है सिपिया नाला झील तक जाना 1.5 किलोमीटर। हाथी वाती दिख रहे हैं सर कल तो अच्छी साइटिंग हुई है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे समझो ज़्यादा हम वो रख नहीं सकते कि हमें ये दिखे टाइगर दिखे तो लक के ऊपर है दोस्तों हर चीज़ है एलिफेंट भी हैं टाइगर लेपर्ड सब है अभी क्या दिखता है ये हम अभी चल के देखेंगे। सब लिप्टिस के पेड़ हैं सब ओके एक अभी गांव थे क्या यहाँ पे नहीं प्लांटेशन था ओके 2005 से पहले ओके ठीक है। कभी टाइगर भी दिखता है यहाँ
देखिए दोस्तों हमारी पहली साइटिंग ऑलरेडी है, ठीक है भागना शुरू। बहुत ही अच्छा साइज है डियर का। यहाँ अभी हमारी गाड़ी पार्क हो जाएगी, यहाँ से हम लेक में जाएंगे। तो गाड़ी तो कोई भी नहीं आई यहाँ आज। देखिए झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व स्वैम्प डियर। दोस्तों भैया क्या बता रहे हैं, यहाँ हाथी भी आता है और इसके ऊपर से निकल जाता है, इसकी हाइट कम है ना। हाँ तो आप इधर रुकेंगे, ठीक है चलो देख के आते हैं। एक्चुअली क्या भैया तो रुक रहे हैं, हमारे पास कुछ खाने पीने का सामान है तो बोले आप जाओगे तो यहाँ मंकी आते हैं। बेटा आराम से चलना। चलो दोस्तों आज हम एक जंगल में ट्रैकिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए बड़ का पेड़। हाँ 100 साल पुराना है। ओके 100 साल पुराना है, वाह। मैंने क्या राजा जी के सभी जंगल बहुत बार कवर किए हैं, वीडियो बनाई हुई है, खाली हर बार झिलमिल मेरे से छूट जाता था। हाँ तो मैंने सुना है कुछ गुज्जर फैमिली भी रहती हैं जंगल के आजू बाजू। अब नहीं सर, यहाँ तो सब शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो गए पहले ही। अच्छा यहीं रहते थे पहले? पहले यहीं रहते थे, 2005 में बनी थी ये। ओके ठीक है। इससे पहले गुज्जर रहते थे तो फिर वहाँ से हटा के फिर जगह स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ तो गेंडे छोड़ने चाहिए इनको। वो दिख रहे हैं सामने, वो स्वैम्प डियर हैं जो दिख रहे हैं, वो बीच में देखो अंदर स्पॉटेड डियर है। स्पॉटेड डियर हैं यानी स्वैम्प इसके अंदर रहते हैं, दलदल में ही साइड में रहते हैं। तो मैंने सुना यार टाइगर भी आता है। हाँ टाइगर आता है ना, टाइगर आता है। अच्छा समझो हम लोग ही हैं ना अकेले यहाँ पे। जी जी लोगों को क्या है बस बड़े जानवर देखने हैं, टाइगर। हाँ तो लोग आते नहीं हैं। आते हैं लेकिन टाइगर कहीं भी दिख सकता है, कहीं भी दिख सकता है। बस एक तो क्या वेट करनी पड़ेगी उसके लिए। वंदना जी पीछे ही रह गए भाई। जगह देखो कितनी प्यारी है, यहाँ तो अगर कोई भी टाइगर चला एलिफेंट दूर दूर से दिखेगा। तो शाम को हाथी तो इधर भी आ जाते होंगे। हाँ शाम को आते हैं, रात को हाथी यहीं पे आते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, दूर खाते हैं ना। हाँ रात को आते हैं कि पानी है यहाँ से ना। सॉम्ब डियर जो आप कह रहे हैं बारासिंगा ना। हाँ जी वो सर इसी दलदल में रहते हैं। हाँ क्योंकि पटेरा टाइप का उत्तराखंड में एक पहला ही है कि यहाँ पर हमारे। हाँ उत्तराखंड का जो है पहला है, बाकी उत्तर प्रदेश में दुधवा में है। हाँ जी जी किशनपुर में है। अभी धूप थी यानी बीच में पानी है। हाँ बीच में पानी जाए तो ये नेचुरल है, बारिश में आता है वही के कुछ इन्होंने बोर वर्क किया है समर से। आर्टिजन भी है सर, दो आर्टिफिशियल भी हैं। तो टैंकर से भरते हैं कि नहीं? आर्टिजन ऑटोमेटिक पानी देते रहते हैं। स्रोत हैं जी स्रोत, यहाँ पर देखो आप स्रोत होंगे, पानी आ रहा है यहाँ पर। ओके जा सकते हैं। हाँ बेटा देखना ध्यान से जाना ऊपर। अगर टाइगर लेपर्ड तो कॉलिंग जबरदस्त होनी शुरू हो जाएगी। हाँ इधर टाइगर का यहाँ का मामला समझ जाएगी वाला पेड़ है ना। हाँ इस पे आने जाने रहता है। ठीक है कैसा लगा? बहुत प्यारा, दूर दूर तक डियर आने लगी है। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, अभी झुंड है कहीं इधर से निकली थी। हाँ इन्होंने जो खाना था खा लिया, पानी के पास आ जाएंगे। पानी के पास रात को यहीं रहेगी सर। ठीक खुले में रहते हैं ना ये? खुले पे रहते हैं। हाँ इनको पता है टाइगर को भगाएंगे जो है। टाइगर और इसको लेपर्ड ज्यादा शिकार करते हैं। हाँ लेपर्ड ज्यादा। और सांबर कितने हैं? सांबर हैं यहाँ पे? सांबर भी ज्यादा है लेकिन उसको टाइगर खाता है। हाँ टाइगर का शिकार है वो, लेपर्ड का ये डियर है। सही में देखिए दोस्तों असलम भाई मेरे साथ हैं अभी, ये मुझे एकदम आगे ले आए। बोले आपको आगे से दिखाते हैं कि यहाँ से पानी चल रहा है जो है स्रोत, नेचुरल सोर्स है दोस्तों यहाँ पानी का। भैया ने बताया आपको दिखाते हैं चल के। यहाँ कुछ गाय भैंस भी आती है?
जो छोड़ दिए हैं जो है गाँव वालों ने। जी जी हाँ, ये देखिए कि दोस्तों 300-400 डियर तो हमें दिख ही रहा है समझो, अभी दूर दूर यहाँ वहाँ भैया बता रहे हैं कि हजारों डियर आ जाएंगे रात तक। ये देखिए एलिफेंट की मौजूदगी दिख रही है दोस्तों, एलिफेंट डंग पड़े हैं। हाँ बस उनको पता है पानी मिलेगा इधर जो है, दिन भर खाते हैं। ओके हाँ, मछलियाँ बहुत सारी मछलियाँ इधर। ये देखिए किंग फिशर खाता है इनको, तो माइग्रेटेड बर्ड आते हैं वो भी। इसमें एक पाइथन भी रहता है सर इसमें। ओके क्या बात है, इसके अंदर चल जाता है ना वो, कभी कभी दिखता है यहाँ पर वो, इसको स्पॉटेड डियर को पकड़ने के लिए। हाँ उसको भी शिकार करता है ना वो। हाँ उसको एक बार मिल गया पूरा 6 महीने का काम हो गया। सही बात है, पूरा सोत पानी के अंदर जाता है। ये देखिए बच्चे और अपना मेरी मिसेज ऊपर चांद पे चले गए हैं। अच्छा है पर जो हमें शौक है वही बच्चों को शौक है। ये देखिए दोस्तों शांति है, आप ये देखिए कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, कोई भाग दौड़ नहीं है यहाँ पे जो है। देखिए बड़े बड़े ग्रास लैंड हैं, देखिए दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। ये कुत्ते डियर के पीछे भाग रहे हैं, ये कुत्ते आगे होंगे नहीं तो यार, ये तो बुरा हाल है यार दोस्तों। देखिए डॉग हिरण का शिकार कर रहे हैं यार यहाँ तो गवर्नमेंट को कुछ यार ये तो इनका कुछ करना चाहिए। ये जो स्थिति है ना राजस्थान में बन रही है जो है, वहाँ डॉग जो है हिरण का शिकार करते हैं दोस्तों। ये देखिए ये लोकल जो डॉग है ये हिरण का शिकार कर रहा है। देखिए थक गया अभी, जो हिरण भाग गए सब, ये देखिए सब हिरण भाग गए इधर। ये देखिए हम भी दिखा रहे हैं, सब डियर भाग गए। ये देखिए सब पानी पीने आए थे। ये देखिए ये कितने डियर हैं। तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए आपको जो है। बगाते ज़्यादा वहाँ से आ रहे तो बगा रहे हैं, आज ही आए। नहीं मैंने राजस्थान में देखा है, राजस्थान में कई जगह पे जो डियर को मारा जा रहा है कुत्तों द्वारा जो है, नोच नोच के खा रहे हैं उनको जो है। एक गंभीर मुद्दा है ये वाला जो है। एक दो कुत्ते थे जो पहले ना इनको कर दिया था, ये देखो दोस्तों कितना बड़ा हर्ड है यहाँ पे। ये है सब डियर, ये अपना भाई बोल रहे हैं इनका काम लेपर्ड ही करेगा देखना। तो मेंढक है हाँ, मीटिंग कॉल कर रहे हैं और फिर आगे देखो फिर भगाने आ गए तो भैया देखो ये फिर भगाने आ गया डियर को दोस्तों, सारे डियर भगा दिए फिर इसने, इन दोनों ने सब भाग गए। कभी ऐसा भी हुआ है कुछ टूरिस्ट इधर खड़े हो और हाथी आ गया हो? बहुत बार हुआ होगा। हाँ जी, तो फटाफट वो उनको भागना ही पड़ेगा। हाँ भागना पड़ेगा सर, हाथी जैसे यहाँ अगर आ गया तो अगर वो वहाँ पर है तो धीरे से जा सकते हैं क्योंकि हाथी एकदम अचानक नहीं पहुँचा वहाँ पर। हाँ मचान है, मचान है वहाँ पर। रात को तो आया थे सर हाथी यहाँ पर, रात को तो उनको पूरा यहाँ पानी है सब है घास है। हाँ ये निशानी दिख तो रही है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है ये गोबर ये वाला। हाँ अभी क्या गर्मी है ना, फटाफट जल्दी सूखता है धूप में। सब धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहे हैं, बरसात में पूरी लेक बन जाएगी, पूरी लेक बन जाएगी, पूरा बरसात में पूरा भर जाएगा। हाँ दल दल जगह हो जाएगी। बरसात में तो हम यहाँ तक आ नहीं पाएंगे सर, ये पूरा ओके पूरा पानी में चला जाएगा एरिया। सही है चलें आगे। जी जी दोस्तों एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ से। कितना कलरफुल है ना, देखो इसको पानी चाहिए ना अभी। सबका बुरा हाल है गर्मी में। ऊपर से दिखाते हैं, ये देखिए ब्यूटी है भाई, ब्यूटी है।
दोस्तों ऐसे जंगल आपने मेरे देखे होंगे शुक्ला पांठा के ब्लॉग में, नेपाल के जंगलों में ऐसे बड़े बड़े ग्रास लैंड, वेट लैंड, पूरा जो दलदली इलाका। दोस्तों बहुत ही अच्छी कंडीशन में है मचान, बहुत ही बढ़िया, वेल मेंटेन, बहुत ही अच्छी। किस दिन ऐसा करूँगा, पूरी पूरी सफारी यहीं लगाऊंगा। दोस्तों बहुत कुछ दिखने वाला है यहाँ बैठ के। रोहित जी ने बोला 1 घंटा वेट करना, टाइगर भी दिखेगा। देखते हैं अभी हम जंगलों में चलते हैं, सफारी करते हैं अंदर। ओह क्या बात है दोस्तों, इतनी शानदार मचान दिख रही है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, वाह ब्यूटीफुल। देखिए दोस्तों, असल में मैंने एकदम सही कहा, शाम होने दो, यहाँ हजारों डियर होंगे, हजारों दोस्तों। तो अब मैं आपको पूरा ये बता रहा हूँ, ये जितने आपको ये सर्कल मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वाला जो है राउंड सर्कल, पूरा जंगल है दोस्तों। इधर गांव है, पीछे गंगा जी भी है, भैया जी कह रहे हैं आपको वो भी लेके जाएंगे। ये देखिए पूरा सर्कल, पूरा जितना 360 डिग्री व्यू देख लीजिए, पूरा सारा जंगल है। अभी धीरे धीरे हर कोने से अपना स्पॉटेड डियर आने शुरू हो गए हैं बाहर। चलिए चलते हैं, अभी चलें। देखिए जैसे आए थे वापस वही रूट से ऊपर जा रहे हैं। हाथी आएगा तो एक दिन, जिस दिन ये स्टार्टिंग करी थी उस दिन 2 तोड़ लिए थे खूंटे यहाँ पर। अरे अरे क्या बात है, आया नहीं अभी, महीना भर हुआ भी इसको। उसको हाथी को क्या पसंद नहीं है, उसके इलाके में कुछ भी काम किया जाए, कुछ भी चौकियाँ बनाई जाए। हाँ भैया बता रहे हैं कि ये जो बल्लियाँ लगी लकड़ी की जो है, हाथी जिस दिन आएगा तोड़ देगा, भरोसा नहीं इसका। हाँ बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों वापिस आ गए। सुनो भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, बहुत मज़ा आया। अब सफारी कंटिन्यू करते हैं दोबारा। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के जो है, इतने प्यारे ग्रासलैंड हैं, फैम डियर का घर है, देखिए कितने स्पॉटेड डियर, रात को इधर ही एलिफेंट आ जाएंगे, टाइगर लेपर्ड भी आता है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया यहाँ। अभी जंगल घूमते हैं, ये वाला जो है बहुत ही सुंदर जंगल है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए टर्माइट हाउस, देखिए दोस्तों हम FRS सीधा 1.5 किलोमीटर लेक पे गए थे और अभी यहाँ से राइट लेंगे, 5 से 6 किलोमीटर में एक चौकी आएगी, वहाँ तक का रूट है अभी। चलिए थैंक यू भैया, असलम भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी जाएंगे हम सिपिया नाला तक जाएंगे दोस्तों। ये कुछ मुझे दोस्तों, ये कुछ फाटो जैसा लग रहा है मुझे, फाटो का जंगल है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे है जिम कॉर्बेट में जो है KTR में, पाटो जोन, जो लोग रेगुलर जाते हैं उनको पता है। देखिए दोस्तों पूरा यूकेलिप्टिस का जंगल है इस तरफ को, यहाँ मिक्स्ड फॉरेस्ट, टीक भी दिख रहा है, रोहिणी भी है इधर जो है, मिक्स्ड फॉरेस्ट है, जामुन भी आ रहे हैं बीच बीच में। दोस्तों जंगल देखिए कितना प्यारा है, माय गॉड, यहाँ हाथी ना मिल जाए बस, गाड़ी बैक नहीं होगी दोस्तों यहाँ से। एलिफेंट डंग पड़ा है इसी रास्ते पे। ये पाइथन दिखते हैं, पाइथन ज्यादा सेटिंग रहती है दिसंबर जनवरी फरवरी में, सर्दियों में रहती है। हाँ
क्या बात है, अभी तो झिलमिल का वाटर लेवल डाउन है। अच्छा झील में, झील में क्रोकोडाइल भी है। जो आगे चिटिया नाला है उसमें 500 प्लस क्रोकोडाइल है। 500 प्लस, माय गॉड, देखने को मिलेगा अभी? अभी निकल नहीं रहे हो, डेढ़ महीने से निकलना बंद हो गया। लास्ट साइटिंग थी उनकी फरवरी लास्ट मार्च आधे तक दिखी है, 15 दिन में बाहर निकल के बैठते थे दो में। उसके बाद ये जो टाइमिंग होती थी 3-4 बजे वो अंदर चल जाते थे। ओ माय गॉड, जंगल देखिए दोस्तों, जंगल भाई मेरे, इतना डेंस फॉरेस्ट। ओहो, ये तो इन्होंने देखो फायर के लिए जलाया हुआ है सब ने, तो हरियाली ऐसी होती कुछ दिखना भी नहीं था। हरा होता है सर जब नवंबर में खुलता है, मानसून के बाद हरा हो जाएगा। बहुत घना होता है उस समय पे, डर लगता है निकलते। तो मालूम नहीं था राजा जी में इतने सुंदर जंगल भी है। मॉर्निंग में आपका रानीपुर में था? हाँ रानीपुर था मॉर्निंग। क्या बेस्ट सेटिंग रहा मॉर्निंग? दो लेपर्ड दिखे, लेपर्ड के लिए फेमस। हाँ मोहन दौर रानीपुर। रानीपुर का जो लेपर्ड है थोड़ा शाय है, थोड़ा डरता है। हाँ बिल्कुल, तो गाड़ी के आपकी गाड़ी के आगे पीछे चलते रहेंगे, वहाँ हैबिट हो गया उनको मोहन में। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोसेस चला भी रहा था कि कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। हाँ ये कि यहाँ पे जो सरदार लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा जमीने हैं। ओके, 5-5 रुपए की जमीने हैं, तो इतना कहीं सेटलमेंट हो नहीं पा रहा है कि कहाँ पे जगह पर जाए। ठीक है, तो जंगल जिंदगी का भी अच्छा है, अच्छी टाइमिंग है यहाँ पे, हाईने की सेटिंग अच्छी है। अच्छा, दिन में भी दिखता है? अभी जो टाइमिंग है 5 बजे के बाद, तो वो थोड़ा 5-5:30 बजे के बाद निकलना स्टार्ट हो जाता। ठीक है, ये मैंने दूर से दिखाई थी मचानी इवली, क्या बात है। दोस्तों धीरे धीरे मूवमेंट बनेगा, धीरे धीरे अभी हो गए 5:30-6 बजे तक थोड़ा और जंगल ठंडा होगा। सब जितने वाटर होल हैं सब सूखे हुए हैं, सब जानवर अभी झील में ही जाएंगे जहाँ पानी है। बहुत बड़ा जंगल है ये भी, तो समझो हाथी ऊपर चढ़ रहा है, हम नीचे उतर रहे हैं। दोस्तों ये है देखिए रियल जंगल। ओ भाई मेरे, ये तो पूरा बारिश का पानी चलता होगा इधर से, तो बहुत घने जंगल में आ गए हम। रिस्की पॉइंट है दोस्तों ये यहाँ का, भारी तो ऊपर भी नहीं चढ़ेगी यहाँ से, माय गॉड। देखिए दोस्तों कैसा जंगल है ये, अजगर ना। हाँ पोर्क्यूपाइन भी होंगे, अभी पाइथन की नेस्टिंग भी चल रही है। ओके, ऐसे कुंडली मार के बैठा होगा अंडों में। यहाँ पे इतने बड़े बड़े अजगर हैं कि डियर को जिंदा खा जाते। क्या बात है, भैया बता रहे हैं
भैया बता रहे हैं कि यहाँ इतने बड़े बड़े अजगर हैं कि डियर को जिंदा ही निकल लेते हैं। देख लो ये देखिए दोस्तों, मैंने इतने जंगल घूमे हैं, आप मानोगे इतने 100 सफारियाँ करी हैं, मैंने ऐसा जंगल नहीं देखा, इतना डेंस दोस्तों। ये तो मैं ऐसे कोर जंगल ऐसे ही होंगे दोस्तों, होंगे तो पूरा ट्रैक पे हर जगह कांटे पत्तियाँ झाड़ियाँ, और आप देखिए हम पूरा जंगल के बीचों बीच हैं, बिल्कुल सेंटर में। आप हिसाब लगाइए अगर यहाँ एलिफेंट हो तो क्या होगा। ये देखिए और भी घना होता जा रहा है, देखिए बच के रहना बच्चों। सुबह मैं गया था रानीपुर रेंज, रानीपुर गेट हरिद्वार रेंज में, वहाँ तो देख के मज़ा आ गया और झिलमिल देख के और ज़्यादा मज़ा आया। छोटा सा डियर खड़ा सामने, भाग गया। ये हम समझो झील झील के चारों तरफ घूम रहे हैं गोल गोल। अरे वाह, सांबर भी जा रहा है। अरे ब्यूटीफुल, ये देखिए दोस्तों, ये तो यार दिल जीत लिया। हाँ स्वयं डियर बहुत दूर थे, झुंड में रहते बिल्कुल इकट्ठा। हाँ सही बात है दोस्तों। ये देखिए सामने वही जो झील है सामने, भाई साहब आप फील कीजिए दोस्तों कितनी प्यारी जगह है, कितनी प्यारी जगह है दोस्तों। कहते हैं लिप्टिस के नीचे कुछ लगता नहीं है, प्लांटेशन कोई होती नहीं है। बिजनौर में भी बताओ क्या बात बताई। अभी हमें बिजनौर जाना पड़ेगा फिर, वहाँ पे एक लेक है झिलमिल, ऐसे झिलमिल है वहाँ पे बारह सिंह। अच्छा अभी हम झील के बाजू बाजू में चलेंगे। सीजन में तो पूरा वाटर लेवल हो जाता है, पूरा इधर भी पानी हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या बात है, तो गाड़ियाँ निकल ही नहीं पाती, तब बंद हो जाएगा ना ये पार्क। बंद भी हो जाता है, जैसे पेट्रोलिंग के लिए फॉरेस्ट वाले आते हैं, हाँ। बहुत मुश्किल हो जाता है। सही में पैदल ही अपना गश्त करते हैं, अच्छा इन्होंने यहाँ भाड़ा किया और यहाँ बाहर ना है इस तरफ को। ये तो कुछ लोकल गांव के बफलो काउज के लिए किया हुआ है थोड़ा। ओके एनिमल तो कूद जाएगा, तब बारह सिंह बहुत ऊंचा जंप करता है। सही में दोस्तों यहाँ स्लॉथ बियर भी हैं, स्लॉथ बियर हाइना है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे स्वैम डियर है, टाइगर है, लैपर्ड है, एलिफेंट है, डियर की सब प्रजातियां हैं यहाँ पे। ये देखिए ये बैठे हैं, ये दोस्तों ईगल बैठे हैं। दोस्तों एक सीन देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है, देखो ये बफेलो चली गई है जहाँ स्वैम डियर होते हैं। ये देखिए सारे स्वैम डियर उठ गए इस चक्कर में। ये पालतू हैं आवारे हैं? हाँ पालतू हैं सब। देखिए स्वैम डियर खड़े हैं इतने सारे, सब बैठे थे, ये उनकी जगह पे आगे पानी में बैठ गए। ये देखिए
गाय भी उसके अंदर से ही जा रही है ना। ये देखिए बफेलो इस पानी में चली गई है इधर। ये तो वो सामने आपको दिख रही होगी मचान जहाँ पे हम शुरू में गए थे, अभी वहाँ पे इतने सारे स्पॉटेड डियर आ गए हैं, भर गया पूरा, यहाँ से दिख रहा है। ये देखिए ये मचान दिख रही है सेंटर में, और ये देखिए कितने सारे डियर हैं इधर भी। भैया बता रहे हैं कल ही एक जिप्सी को इसी एरिया में लेपर्ड दिखाया दोस्तों, इसी एरिया में लेपर्ड दिखाया। अब बिल्कुल मैं ऑपोजिट आ गया हूँ जहाँ खड़ा था मचान के दोस्तों, मुझे जंगल बहुत अच्छा लगा, ये बहुत मज़ा आया यहाँ। दोस्तों मुझे इतना पता टाइगर भी आएगा इधर, उसकी जो रूटीन होती है रोज़ की वो तो करना ही है उसको। पूरा घना जंगल आ गया ये भी। बस ऐसे ही क्रॉसिंग होती है दोस्तों, टाइगर लेपर्ड की भी ऐसे चले जाते हैं घने जंगल में निकल के। भैया हमें पाइथन दिखाने ले जा रहे हैं, पाइथन ये फेंसिंग करी हुई है यहाँ पे इलेक्ट्रिक, हाँ हाथी अंदर ना जाए खेतों में। ओ मैं कह ये क्या आ गया भाई ये देखिए ये दोस्तों ये बफर जोन है ना जो है एरिया। इनका शिकार भी करता होगा ना टाइगर कभी कभी। हाँ हाँ ये पालतू एनिमल बफलो है तो इनको जो इनके मालिक होते हैं नमक देते हैं खाने में। ठीक है तो नमक जो इनका बलड रहता है नमकीन रहता है। ये सिमल का पेड़ है टूटा हुआ है। हाँ जी मजा आ रहा है आपको। क्या क्या देखा अभी तक आपने? फार्म डियर और डियर और सांबर, हाँ ग्रीन बी ईटर। अभी क्या देखना है? टाइगर। टाइगर तुम्हें जिम कॉर्बर में दिखाएंगे। यहाँ भी हड्डियाँ पड़ी हैं, खिल करके खाता है दोस्तों इधर ही। देखिए ये एरिया है तो चलना है। मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ देख दोस्तों ये कुछ एरिया ऐसा है गांव का, गांव के साथ लगता है, तो यहाँ कोई इतना जंगल वाला माहौल कम है। तो भैया गए हैं पाइथन को ढूंढने। आप देखिए सामने हड्डियाँ हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं जगह जगह। ये देखिए जगह जगह हड्डियाँ पड़ी हैं। दोस्तों पाइथन दिख गया। हाँ आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ आप भी। पाइथन दिख गया दोस्तों, देखिए स्पेशल पाइथन देखने जा रहे हैं हम। ये जंगल के बाहर का एरिया है, तभी हम नीचे उतरे हैं, तभी हम नीचे उतरे जंगल के बाहर है। दूर है पास में दिख रहा है? अरे वाह 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 क्या बात है दोस्तों, अरे वाह 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 बहुत बड़ी साइज का है तू। बहुत बड़ा है सर ये।